हम 22 तारीख की रात को 11 बजे स्टार्ट किया जानी इधर घूमने के लिए, बाहर जाने के लिए। हमारे साथ हमारे बेटा को मिला के 8 लोग हम थे। घर से जाने के बाद 2 किलोमीटर बाद एक श्मशान आता है, वो भेलूर जाने के लिए शॉर्ट रूट शॉर्टकट है। वही रोड पर हम जा रहे थे, हमको अचानक से एक काला बिल्ली दिखा, सबको दिखा। मेरे हस्बैंड बोले वो ब्लैक कलर का डग था, लेकिन हम सबको बिल्ली दिखा, पता नहीं कुछ भी हो। हम क्रॉस करके गए, हम उधर बोले थोड़ा वो टर्निंग जैसा रोड था, मैं बोली थोड़ा देख के चलाओ अभी वो बिल्ली को लग जाता, वो थोड़ा स्लो चलाओ अभी टर्निंग रोड है, उसके बाद थोड़ा स्पीड चलाना परवाह नहीं। उसके बाद 5 मिनट हुआ नहीं, मेरी तबीयत सडन खराब होने लगा, बहुत सीरियस हो गया। मुझे ऐसे लगा कि मैं मरने वाली हूँ, मतलब ऐसा लग रहा था मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत सीरियस हो गया। मुझे मूड खराब हो गया मेरा, मुझे किसी हालत पर मुझे नहीं जाना था। मैं बोली मुझे घर जाना है, या तो मुझे ट्रेन में बिठा दो, मुझे ट्रेन में जाना है, या तो मुझे घर जाना है, मुझे ये गाड़ी में नहीं जाना, मुझे वापस घर जाना है। लेकिन वो सब लोग तो आराम से जा रहे थे, मतलब पॉसिबल नहीं था, बाहर लोग भी थे, वो ऐसे नहीं कि हमारे घर वाले थे ऐसे भी। फिर ऐसे करके गए, फुल रात भर मेरी तबीयत ऐसा रहा। मैं उस दिन फास्टिंग रखी थी, रुगाष्टमी का मैंने सोचनी रखी थी, शायद उसके लिए वो बिगड़ रहा है, मैंने खाया खाना पीना ठीक से नहीं हुआ, शायद उसके लिए कुछ ख़राब है। मैंने कुछ सोचा भी नहीं, मतलब सोचने के लिए मेरी हालत भी नहीं थी, बहुत ख़राब थी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मुझे कैसा कैसा फील हो रहा था। उसके बाद हम गए और सुबह हो गया, हम उधर पहुंच गए, भगवान का दर्शन किए, दर्शन करने के बाद मेरी तबीयत फुल ठीक हो गई, हम भूल गए सब कुछ। फिर रिटर्न किए, रात को 12 बज गया था जब हम भेलूर में पहुंचे। उधर से हम चित्तूर के रोड पकड़ने वाले थे, वो हमको 2 मोबाइल पर गूगल मैप मतलब ऑन करके हम आ रहे थे, वो हमको NH से ओवरब्रिज के नीचे रोड दिखाया, हम नीचे आ गए। कुछ देर आने के बाद हमको मालूम पड़ा मतलब हम रास्ता भटक चुके हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ऐसे नहीं कि हम घुमा के आ जाएंगे, वो तो उधर वो मतलब जगह नहीं है आने के लिए, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, यू टर्न लेके आना पड़ेगा। उसके बाद हम कुछ देर गए तो वो रोड साइड से अजीब सा बदबू आ रहा था, कचरा का ढेर था, आजू बाजू कोई घर नहीं था, दुकान नहीं था, ना कोई स्टेशन था, ना कोई बस स्टॉपेज था, कुछ भी नहीं था, लोग वगैरह कुछ नहीं था, लाइट भी कम थी, सब कुछ कम था, डरावना सा रोड था, वो अजीब सा बदबू आ रहा था, रोड वो हर जगह से अजीब सा बदबू आ रहा था, झाड़ियाँ इतना बड़ा बड़ा था मतलब सरसों डालने के लिए भी जगह नहीं। हमको देखा रोड के साइड से 10 फीट की दूरी पर एक जगह में आग जल रहा है, 10 फीट की हाइट से आग जल रहा है। मैंने मुझे अजीब लगा वो आग देख के, अगर कोई आग लगाएगा कचरा में तो रोड की साइड में लगाएगा, वो जल जल के उधर तक जाएगा, जिधर लगा है उधर जाने के लिए सरसों डालने के लिए भी जगह नहीं, उधर कोई कैसे गया, कैसे आग लगा। चलो ठीक है, मुझे क्यों इतना सोचना है, कचरा ही तो है, कचरा होगा शायद, हम सोच के ऐसे चलने लगे। कुछ देर जाने के बाद हमको एक आदमी दिखा, हमको एक बड़ा हाइट का था आदमी, वो अजीब दिख रहा था, लेकिन गाड़ी का फक्सिंग जैसे उसके ऊपर आया, उसका चेहरा हम सब लोग देखने के लिए कोशिश की, लेकिन कोई भी देख नहीं पाया, वो ऐसे अंदाजे से उसका चेहरा घुमा रहा था, मतलब हम देख नहीं पाए उसको, वो लेफ्ट साइड में जंगल था, वो लेफ्ट की साइड से वो देख रहा था। अगर मामूली सा आदमी होगा, नॉर्मल आदमी, उसका घर जा रहा होगा या काम से आ रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, वो या तो स्पीड में चलेगा या तो डर डर के चलेगा, गाड़ी उसके पास आ रही, अब क्या हो रहा है, लोगों को किडनैप कर रहे, मर्डर कर रहे, पैसा लूट रहे, वो तो डरेगा, उसके पास गाड़ी आ रहा है तो वो पीछे देखेगा, आगे देखेगा, किधर तो देखेगा, लेकिन उसका चेहरा वो छुपाने में वो मतलब बिजी था। फिर उसको हम नज़रअंदाज करके चलने लगे, वो ऐसे चल रहा था मानो अकेला नहीं, उसके साथ 100 आदमी है, वो इतना मतलब वो ईगो के साथ चल रहा था। उसको नज़रअंदाज करके हम चलने लगे आगे। कुछ देर जाने के बाद हमको एक पागल औरत दिखी, राइट साइड में वो बैठी थी कचरे के पास, हमने सोचे शायद पागल होगा, वो कैसे कैसे कर रही थी, खुद को मार रही थी, कैसे कैसे कर रही थी। उसको देख के लगा मतलब वो उसको हेल्प की ज़रूरत थी, कुछ खाना पीना चाहिए होगा कुछ, हम ऐसे सोच रहे थे कुछ पूछेंगे क्या करेंगे। हमारी नज़र अचानक से गाड़ी के ऊपर आया, ब्लैक कलर का एक कार था, उसका ग्लास भी ब्लैक कलर का था, वो गाड़ी ऑन में था लेकिन डोर सब क्लोज था, अंदर देखा तो कुछ दिख नहीं रहा। उसके पास में
मतलब 5 फीट की हाइट में वो गाड़ी था, लेकिन हमको नहीं दिख रहा था। हमको डाउट हुआ, फिर हम चलने लगे। पता नहीं वो गाड़ी क्यों खड़ा था, वो कुछ गलत इरादे से आए थे उसके साथ कुछ करने के लिए, या सब ये कि गैंग के थे मालूम नहीं। वैसे क्या करते हैं लोग, वो कुछ भिखारी को हाथ कर लेते हैं, कुछ पैसा दे देते हैं, 5-10 हज़ार दे देते हैं। 5-10 हज़ार छोड़ दीजिए, आप 500 रुपये 1000 रुपये देंगे ना तो भी वो लोग काम कर लेते हैं। वो आपको कुछ करना नहीं है, बस रोड की साइड में ऐसे बैठना है, ऐसे एक्टिंग करना है जैसे लोग देख के आपको हेल्प करने के लिए रुक जाए, उसके बाद आपका काम ओवर। वो उनका काम कर लेते हैं, कोई आपको मार देता है, पैसा लूट के ले जाता है, गाड़ी वगैरह छीन लेते हैं। वो गाड़ी वगैरह ले लेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन वो जान से मार देते हैं। वो कुछ सोचते नहीं, कुछ समझते नहीं, वो मतलब उसके पास पैसा है नहीं है, आप बोलेंगे हम सबको दे दें फिर भी वो नहीं छोड़ेंगे, वो मार देते हैं। क्योंकि आप खुले आप बता देते हैं गाड़ी कैसा था, कितने लोग थे, कैसे क्या था, सब कुछ बता देते हैं ना, वो टेंशन लेना नहीं चाहते हैं, वो फर्स्ट में मर्डर कर देते हैं। उसके बाद हमको थोड़ा डर लगने लगा, सब डर गए। उसके बाद हम चलने लगे, जाने के बाद फर्स्ट राउंड गया, सेकंड राउंड में फिर उधर आ गए, ऐसे करके 3 बार हम उधर आ गए। मैं गुस्सा आ गई, ये क्या हो रहा है, वही रोड पे सेम रोड पे देखो आग जल रहा है, थोड़ा तो ऐसा करो कि रोड थोड़ा चेंज हो जाए, तो आग जल रहा है वही रोड पे आ जाते हो बार बार, तुम कुछ भी करो तुम एन एस से नीचे नहीं आना। मुझे डर लग रहा था, मतलब वो अजीब लग रहा था वो लोग को देखे मुझे। वो हम भी एक आदमी से पूछे भी, मतलब कोई तो दिख नहीं रहा था, बाइक में एक आदमी जा रहा था, वो हम उनको हेल्प के लिए उनको पूछे, वो रोड बताया वही रोड पे हम आ गए। फिर से जाने बाद वो आग 10 फीट की हाइट तक जल रहा था, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा आग हम ऐसे कुछ कर ले हमको ऐसे दिख गया ऐसे सडन से। हम 3 टाइम आए, 3 बार हमको वही आग दिख रहा था, ऐसे जल रहा है खतरनाक तरीके से, लेकिन हमारे गाड़ी में कोई नहीं देखा था। मैं आग आग चला रही हूँ, वही आग देख रहे हो, आग देखो वही आग की रोड में आ जाते बार बार, ऐसा बदबू आ रहा है। वो क्या होता है, उधर पास में एक हॉस्पिटल है, बड़ा सा हॉस्पिटल, वो जो इतना इलीगल काम होता है ना, वो रात को गाड़ी ला के उधर ही डंप करके जला कर चला जाते हैं, मतलब वो थोड़ा आवर्षण करने के लिए, या किसी को लाश वगैरह कुछ भी आप जलाएंगे, आपको कोई मार के उधर गिरा देगा, इधर दफना देगा, जला देगा, किसी को मतलब मालूम नहीं पड़ेगा, इतना खतरनाक एरिया है वो। उसके बाद हमको एक राजस्थान का फैमिली दिखा, हम उनको हेल्प कर लिए, हमको पूछे, हम उनको उनको पूछने के बाद हेल्प किए, वो बताने के बाद हम घर आके सही सलामत पहुँच गए। कहने का मतलब यही है, रात को आप जब भी जाएंगे, मतलब गूगल के भरोसे में नहीं रहना, शॉर्टकट में नहीं जाना, किसी से मदद लेने से पहले 10 बार सोचना जरूर, क्योंकि वो गलत रूट बता देते हैं, वो आगे उनका गैंग होता है, वो भी मर्डर कर देंगे आपको। किसी से मतलब किसी को आप हेल्प करने से पहले आपको 100 बार सोचना है, मतलब आप हेल्प करने के लिए जाएंगे आपका जान भी चला जाएगा। वो ऐसे जंगल में छुपे होंगे, रोड के साइड में छुपे होंगे, वो गाड़ी के अंदर छुपे होंगे, आपको आके मर्डर कर देंगे। देख के जाना, देख के आना, होशियार से रहना। बाय बाय।